नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। जो बॉयल्स लॉ है वो हमें क्या बताता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो बॉयल्स लॉ है उसके लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई है ताकि हम इसको ईजिली समझ सकें। तो बॉयल्स लॉ कहता क्या है पहले हम वो समझते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखें तो क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर बात करेंगे। तो टेम्परेचर अगर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ये कहता है कि जो वॉल्यूम है किस चीज की, गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस, यानी इसके अंदर आपने जो वर्किंग फ्लूड लिया है वो है परफेक्ट गैस। तो जो वॉल्यूम है, जो कोई गिवन मास, हमें कोई मास दिया है इसका, वो किसी जो हमने लिया है वर्किंग फ्लूड जो परफेक्ट गैस है, तो वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो कि एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। यहाँ पे जो पी है ये हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसके अंदर क्या किया हमने, इसके अंदर जो बॉयल्स लॉ ने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट प्रेशर के। यानी कि ये कहता है, मान लीजिए आप इसका पीवी डायग्राम ड्रा करें, तो यहाँ पे आप ले लीजिए वर्टिकल है लाइन जो है, यहाँ पी ले लीजिए यानी कि प्रेशर ले लीजिए, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे वी ले लीजिए यानी कि वॉल्यूम ले लीजिए। ये क्या कहता है कि एक आइसोथर्मल कर्व है हमारे पास, ये आइसोथर्मल कर्व है यानी कि सेम टेम्परेचर कर्व है, आइसोथर्मल कर्व, इसको हम आई सी लिख लेते हैं, आइसोथर्मल कर्व, जो कि हाइपरबोलिक इस तरह से होता है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है वन, तो यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है मान लीजिए पी वन वी वन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है टू, और यहाँ पे मान लीजिए जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो पी टू और वी टू है। तो आइसोथर्मल कर्व यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जब जो वॉल्यूम बढ़ेगी, देखिए यहाँ से वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, और प्रेशर क्या हुआ है, देखिए यहाँ प्रेशर इतना था, यहाँ पे मान लीजिए P1 था और यहाँ पे P2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगी, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ बढ़ी है, तो प्रेशर क्या है, डिक्रीज हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसको आप इस सिस्टम से आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप समझें कैसे, देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर हमने यूज़ किया है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है जो इस जो कि इसके अंदर मूव करेगा, और यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूड है वो क्या है, वो आपकी है परफेक्ट गैस। तो आपने इसके अंदर परफेक्ट गैस का जो वर्किंग फ्लूड लिया है। अब मान लीजिए आप एक डायाथर्मिक कवर यूज़ करते हैं, डायाथर्मिक कवर यानी कि जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने देता है, कंडक्टर है हीट को ट्रांसफर होने देता है, और यहां पे आपने यूज किया है एक हीट सोर्स जो कि हीट को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जब तक आप कवर को इस पे लगा के रखेंगे और जब सोर्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हीट अंदर ट्रांसफर होगी। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, देखिए पहले तो इस चीज को समझिए कि टी कॉन्स्टेंट, अब देखिए टी कॉन्स्टेंट कब होगा, तो कैसे करेंगे, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करती है, यानी कि ये जो पिस्टन है यहाँ से वो यहाँ पे पहुँच जाता है, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच जाता है, तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम इतनी थी और इतनी इंक्रीज करेगी, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ी है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो अंदर जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे वो कंप्रेशन में थे, यानी उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा था। जैसे ही एक्सपेंडेशन हुआ इस गैस का, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज की, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कि आपने इस पिस्टन को आप यहां से यहां ले आए तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंडेशन हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो एक्सपेंडेशन हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखिए जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इसके अंदर का डिक्रीज होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, जो एक्सपेंडेशन के कारण क्या हुआ है, प्रेशर जब डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है। जैसे ही प्रेशर या हम कहें कि टेम्परेचर एकदम से थोड़ा सा भी कम होगा, हम इस सोर्स को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, इसके हेड के साथ, और इसको हीट सप्लाई कर देगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर एकदम से उतना ही हो जाएगा जितना हमें करना था, फिर हम सोर्स को हटा लेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमें टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कैसे रखेंगे, जैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, तभी सोर्स को कनेक्ट कर देंगे और उसको उतना ही टेम्परेचर पे मेंटेन कर लेंगे। मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था,
जैसे ही एक्सपेंडेशन हुआ और ये 49.98 कुछ होने लगा, तो एकदम से आपने सोर्स को कनेक्ट किया, यानी कि फिर आपने उसको 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आप उसको कम नहीं होने देंगे, या कहें कि 49 पॉइंट जो हमारा ये 50 पे था, 99.9905 इस तरह से हुआ, बहुत ही स्मॉल चेंज आया, तभी आपने सोर्स को कनेक्ट कर दिया और वो फिर से 50 पे पहुंच गया। तो यानी कि आपको क्या करना है, एक तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है थ्योरेटिकली। तो ये सिस्टम जो है बॉयल्स लॉ कहता है कि टी कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के रहेगी। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, जैसे हमने बात की, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू एक्सपेंडेशन। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स का यूज करते रहेंगे, जैसे ही थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर है डाउन होगा सोर्स को कनेक्ट कर देंगे। तो ये कहता है बॉयल्स लॉ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।